आपको मतलब इजी लगा इससे जनवरी वाले से? जनवरी वाले से बहुत इजी आया था, मैथ रिलेटिवली इजी, बट फिजिक्स आई हैव इंक्रीज्ड द लेवल। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्रॉस ट्रिकी, बट ओवरऑल द लेवल ऑफ केमिस्ट्री वाज आल्सो मीडियम। नो सेक्शन यू कैन से टफ एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक इफ इट इज इन मैथ्स, देन दे वर मोर फोकस्ड इन कोऑर्डिनेट्स लाइक वेक्टर्स, 3D इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दे फोकस मोर देयर वर क्वेश्चंस अप्रॉक्स 6 टू 7 आई कैन से। केमिस्ट्री देयर वाज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक, देयर वाज अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम काइनेटिक्स, सिंपल डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, एंड दे इंक्लूडेड ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल चैप्टर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कितना एक्सपर्ट करता, कितना स्कोर लास्ट में 83 आप लोगों ने जनवरी का पेपर दिया था इससे पहले? भाई मैंने दिया था, मेरी हालत खराब थी लेकिन हम लोग ड्रॉप आउट बैच गए, प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। एक महीने का गैप मिला था तो अच्छी प्रिपरेशन की है। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी? बिल्कुल, हाँ इस बार आई थी। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में और मैथ में दोनों में प्रीवियस जो पेपर हुए जनवरी वाले आपको कौन सा हार्ड लगा सबसे ज्यादा? मतलब फिजिक्स हार्ड थी और मैथ्स? मुझे मैथ्स हार्ड लगती थी लेकिन आज इजी लगी तो अच्छे हो गए। मेरे हिसाब से 240 के आसपास जाना चाहिए। आई आई टी दिल्ली से बाहर अगर कहीं मिलता तो आप जा सकते हो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ लेना पसंद करेंगे। ज्यादा हार्ड कौन सा लगा? और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे तो आप प्रॉपर हो की कोई क्वेश्चन आपको याद है, टॉपिक याद है जो आया हो पेपर? नहीं नहीं एक तो सिर्फ यही आया था कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट कलर देते हैं, ये जिसमें लैंथेनम, ल्यूटेरियम, 3+ का, समेरियम का, एक और कुछ का, तो समेरियम लैंथेनाइड सीरीज में होता था। और फिजिक्स और मैथ्स के बहुत सारे कर्व भी आए थे और अच्छे क्वेश्चन थे, वो इजी थे। लेकिन टॉपिक्स कुछ याद है? टॉपिक्स सारा क्वेश्चन कवर किया था। मतलब सारे क्वेश्चन मतलब इक्वली जी। आपका कोई ड्रीम कॉलेज? और जेई मेन के थ्रू अगर कोई कॉलेज? और अगर मतलब और 11 12th का कौन सा क्वेश्चन ज्यादा हो आया हो 11th या 12th में? इक्वली था, मतलब 45% था। तो कैसा आया पेपर? ओवरऑल इजी था, उन्होंने मतलब फिजिक्स थोड़ी कंप्यूटर की थोड़ी ट्रिकी रखी थी, जैसे दो चैप्टर के क्वेश्चन मिला दिए, फॉर एग्जांपल डुअल नेचर एंड ईएमआई दे आर कंबाइंड एंड समथिंग, एंड मैथ वाज रिलेटिवली सो वी कैन सो स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर मोर क्वेश्चंस इन मैथ देन दे वर दे गॉट इट लाइक दे पीपल कैन रीड सो पीपल डू थिंक दे कैन अटेम्प्ट 10 टू 15 क्वेश्चन ऑफ मैथ बट दिस टाइम दे कैन गो फॉर 20 और अबव। But we saw some students are saying that maths questions are so lengthy, or did you feel that? Lengthy, actually they were a bit CBSE oriented, like we can say we have to solve all of things, not like objectives that you solve for a winner and you get the answer. Okay. You would have to solve them a bit, but the question be organic, if you could cover NCERT only, I don't think you could attempt organic that easily. Okay, but okay. Overall, yes, if you have read NCERT, other than organic, you would face less. Can you compare the January exam and April exam? Comparatively, in January exam, in my section, math was relatively difficult, but physics was easy and now they have interchanged. Chemistry was also medium, but organic, this time I felt the level has increased in it. Okay, I have attempted 60 questions and I attempted, and I'm sure approximately about 50 to 55 questions. Which is the easiest exam, January or April? Overall level, if you compare, this one was a bit easy. Bit easy. Okay. April. Thank you. Neha Sharma. How are you? I'm sorry.
जनवरी से ज्यादा हार्ड था या फिर उससे जो मेरा स्नो था वो पेपर मतलब पूरे जनवरी स्नो का सबसे इजी पेपर था उस हिसाब से तो उससे तो टफ था और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सा इजी था केमिस्ट्री मैथ्स का लेवल सेम था जैसा होता है और लेकिन जो फिजिक्स का लेवल था वो मुझे थोड़ा हाई लगा और वो लेंथी भी थी फिजिक्स जितना मैं अलाउट करता हूँ टाइम करने में उतने टाइम में हुई आपने 2018 में भी दिया था तो उसके कंपेयर में कैसा था मैथ्स मैथ्स एंड मैथ्स इजी थी केमिस्ट्री और अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पीवीसीए करे तो उसकी कितना स्कोप है मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी पीवीसीए मतलब एनसीईआरटी और पीवीसीए तो पीवीसीए तो बोर्ड होता है मतलब अगर मेंस की पीवीसीए है तो क्योंकि उसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी गया आज थोड़े ज़्यादा फिजिक्स में तो एनसीईआरटी से तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा लेकिन अगर प्रीवियस ईयर भी साथ में करें तो काफ़ी सही तो काफ़ी बच्चे कहते हैं मैथ्स को काफ़ी ईजी है मैथ्स का इजी था काफ़ी जो कहते हैं खुशी देख रहे हो ट्रिकी थे पार्ट पार्ट से और क्लास 11 और 12 की वेटेज करते तो कैसा वेटेज रहा क्लास 12 से लगभग जैसे मैथ्स में लगभग 16 क्वेश्चन थे 16 या 17 तो आपने ड्रॉप करके प्रिपरेशन अपने घर पे करी या फिर कोचिंग ली थी मैंने कोचिंग ली कब तो 16 क्वेश्चन आए थे हमारे 11 क्लास से 12 से आए थे मैथ्स में 16 क्वेश्चन और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आपको याद है जो बताना चाहेगी कुछ क्वेश्चन आपको याद होगी कोई सिंपल सा क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन आपको याद क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन था कि दो ऑब्जेक्ट हैं दो पार्टिकल है उनकी लैम्डा लैम्डा वन लैम्डा टू और वो 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहे हैं तो जो तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उनका तो वो दोनों चिपक जाएंगे एक साथ तो फिर उनका जो जो नेट जो पार्टिकल बनेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी ऐसा क्वेश्चन था अच्छा तो ये थोड़ा सही था क्वेश्चन मतलब मेरे को थोड़ा उसको टाइम लग गया उसको कैच करने में और बाकी ऑप्शंस वगैरह कैसे थे मतलब ऑप्शन सारे आपको ट्रिकी थे या फिर मतलब सीधे मैथ्स में जैसे कभी अगर हम ऐसे ट्राई करते हैं जैसे कॉनिक सेक्शन में ऐसे करते हैं कि पॉइंट है तो सेटिस्फाई करते हैं ऐसे ऐसा हो जाता क्वेश्चन थे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन थे ना उसके ऐसे ऑप्शन थे जो कि आसपास नहीं थे बिल्कुल भी तो उसमें हम लगा सकते थे अगर ट्रिक बंदा अगर थोड़ा कोई जल्दी करने के चाहे तो फिर वो ऐसे कर सकता मतलब ऑप्शन के आस पास ही नहीं थे वो नेगलेक्ट थैंक यू फिर चलिए ठीक है तो आपका फिर ड्रीम कॉलेज क्या है फिर आप क्या चाह रहे हो मतलब दिल्ली में लेना चाहते हो या फिर कोई बाहर वैसे तो मेंस के बेसिस पे नहीं है मेरा ड्रीम एडवांस लेवल का तो आपको कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने मार्क्स आ जाएंगे इसमें 200 अबव ओके आपको कैसा लगा इसका काफी ज्यादा इजी था आपको सबसे इजीएस्ट कौन सी चीज लगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ज्यादा मैथ्स लोग लेकिन लोग कह रहे लर्निंग था लेकिन आपको लर्निंग नहीं लगा और केमिस्ट्री कैसी थी जनवरी वाला भी जनवरी से इजी था ये वाला क्लास 11 12 तक कितना आया था क्वेश्चन आपको क्या लगता है कितना क्वेश्चन 11 का नहीं मतलब कितना क्वेश्चन आया था क्वेश्चन जी मैं अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के जाता है सिर्फ एनसीईआरटी को कर सकता है 75%
कई मेंस का एग्जाम में 70% ज्यादा एनसीईआरटी का है, मैथ के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, सब मैथ्स के तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन और बाकी सारे एनसीईआरटी के। आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई करी और आपकी एनसीईआरटी से काफी अच्छे मार्क्स आए, तो आप मतलब यही बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करिए, 70% आपका एनसीईआरटी में से आएगा। और ये ज्यादा बेटर 11th 12th में, प्लस 12th की बेटर ज्यादा होती है और आपका एनसीईआरटी रैंक से करते हैं 70%, तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे इनके 92% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भाई आप एनसीईआरटी पे जोर लगाएंगे तो सही रहेगा।